ये जो राम मंदिर की इनोग्रेशन हुई थी हुँ, उसमें अनुपम खेर जी आए थे हाँ, और उन्होंने मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो फेरन पहन के आए थे अपने कश्मीरी अटायर में सीरियसली मैंने नोटिस नहीं किया मैं देखूंगी पश्मीना का मुझे याद है जब मैंने पढ़ा था तो उसमें हमें ये बताते थे कि वो इतना सॉफ्ट और इतना लाइट वेट होता है एक छोटी सी रिंग के अंदर से वो आराम से निकल सकता है आप मुझे बताओ फैशन तो चलो है ही जरूरी बट खाना नहीं भूलना चाहिए ना तो मुझे कश्मीर के ना खाने का मतलब जानना है कि वहाँ पे क्या क्या मेन है फिश फिश होती है वहाँ पे मतलब नॉनवेज तो खाते, खाते हैं कश्मीरी बस कश्मीरी पंडित भी खाते हैं लोगों को लगता है ये पंडित है ये नॉन वेज तो नहीं खाते होंगे बट खाते हैं वहाँ पे हाई एवरी वन जय श्री राम वेलकम टू फैशन ब्रू पॉडकास्ट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई सीरीज जिसमें हम इंडिया के हर रीजन हर पार्ट के फैशन के बारे में डिस्कस करेंगे एंड सम टाइम्स हम किसी ना किसी गेस्ट को भी बुलाएंगे ताकि वो अपने ट्रेडिशन के बारे में हमसे अपनी बातें शेयर करें ताकि आप लोगों को भी पता लगे कि हमारे इंडिया के कुछ कुछ ऐसे ट्रेडिशन हैं जिनसे हम लोग बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं हैं बिकॉज मैं तो जेनवनली चाहती हूँ कि मुझे पता लगे कि इंडिया का कल्चर कितना वास्ट और कितना ज़्यादा रिच है तो आज का हमारा पहला एपिसोड है और आज हम बात करेंगे कश्मीर के ट्रेडिशनल अटाइज के बारे में ट्रडिशनल फूड के बारे में बिकॉज़ फूड तो मेरा फेवरेट है मैं उसको भूल नहीं सकती एंड ट्रेडिशनल फैब्रिक्स ट्रेडिशनल ज्वेलरी सब कुछ कश्मीर में जो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है जो आज भी वहाँ के लोग फॉलो करते आ रहे हैं सो so, आज हमारे साथ हमारी एक स्पेशल गेस्ट है आयुषी एंड ये मेरी कॉलेज सीनियर रह चुकी हैं एंड ये कश्मीर से हैं तो आई एम वेरी एक्साइटेड ये हमें क्या क्या कश्मीर के ट्रेडिशन के बारे में बताएंगी सो आई यूज रेडी वेलकम आयुषी हाउ आर यू कश्मीरी में हम वैसे हेलो uh, हाई नहीं करते हम नमस्कार बोलते हैं तो नमस्कार oh. आपको नमस्ते नमस्ते <laughs> सो so, आपको कैसा लग रहा है हमारे पॉडकास्ट बहुत अच्छा के? लग रहा है um, मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि आयुषी <coughs> मेरे साथ कॉलेज में थी शी वॉज माई सीनियर एंड कॉलेज से लेके अभी तक वो मुझे मेरे हर चीज में सपोर्ट करती आई है एंड मैंने जस्ट इनसे ऐसे पूछा कि आप कश्मीर से हो सो वुड यू लाइक टू कम ऑन माई पॉडकास्ट एंड शेयर यूर ऑल द एक्सपीरियंस एंड ऑल द नॉलेज यू हैव एंड शी वॉज लाइक येस वाई नॉट लेट्स डू इट तो कभी मना नहीं करती है ये मुझे किसी चीज़ के लिए एंड आम वेरी मच थैंकफुल क्या मुझे इतना सपोर्ट करते हो इतनी प्यारी लड़की को कोई कैसे मना करेगा <laughs> एंड आज मैं अपनी ऑडियंस को जैसे कश्मीर के ट्रेडिशन फ़ैशन के बारे में बताना चाहती हूँ तो उसके लिए भी वो रेडी हो गई कि वो अपना जो भी जानते हैं वो बताएँगे सो चलो स्टार्ट करते हैं तो आ, कश्मीर के बारे में मुझे फ़ेरन का पता है मोस्टली क्योंकि मैंने वही देखा है हर जगह कि उनकी जो ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम है वो फ़ेरन है जो आदमी और दोनों पहनते हैं तो आप मुझे अपने बेसिस पर बताइए कि फेरन एक्चुअली में कश्मीर में आया कैसे किससे इंस्पायर हुआ जैसे हम लोग काफ़ी चीज़ों से इंस्पायर होते हैं हमारे स्टाइल वगैरह तो कोई ना कोई एक ऐसा स्पेसिफिक टाइम आया होगा ना कश्मीर में भी जब लोगों ने सोचा चलो ये स्टाइल हमने फॉलो करना है हमारा ट्रेडिशन है अब ये तो क्या रहा तो इसका? कश्मीर की जो हिस्ट्री है हिस्ट्री में जाना पड़ेगा अब जो आप करते ही हो बिल्कुल तो ये शुरू हुआ था फोर्टीन फिफ्टीन सेंचुरी के अराउंड जब मुगल्स रूल कर रहे थे वहाँ पे ठीक है तो बेसिकली ये जो एम्ब्रॉयडरीज वगैरह है जो आज हम देख रहे हैं कश्मीरी हेरिटेज तो ये उनकी वजह से हम कह सकते हैं हाईलाइट हुआ है क्योंकि उस टाइम पे जैसे अकबर हो गया जहांगीर हो गया ठीक है तो वो इसको बहुत आ, सपोर्ट करते थे क्राफ्टमैनशिप को है ना हुँ। जो हुँ। आ, हाथ का काम होता था हाँ, सब कुछ। मैंने मैंने भी अपने फैशन के आर्ट आर्ट्स को काफ़ी वो सपोर्ट देते थे इंडिया में काफ़ी चीज़ें वैसे मुगल्स के वजह से काफ़ी इंस्पायर्ड है मतलब आई गेस उन्होंने वो जो टेलरिंग का काम वगैरह होता था ना एम्ब्रॉयडरी हैंडवर्क सारा मुगल्स के थ्रू ही इंडिया में तो आया है। जो कश्मीर में जो आए हैं क्राफ्ट पर्सन वो उनके थ्रू आए हैं जिन्होंने मतलब और एक्सप्लोर किया कश्मीरी ये फैशन को हाँ, ट्रेडिशन को ठीक है तो जो कारीगर थे तो वो उन उनके यहीं से ही आए थे मतलब हाँ। पर्जन हो गया ठीक है वहाँ से ठीक है तो मुगल और परजियन का मिक्सचर है कश्मीरी जो फैशन है ठीक है okay, तो उन okay. दोनों का मिक्स है वो तो जो वो वहाँ से आए थे तो और अच्छा अच्छा और वहाँ पे उस टाइम पे सिल्क रोड करके होता था ये कोई रोड नहीं है तो ये बेसिकली एक ट्रेड ट्रेड होती थी ट्रेड मतलब कहाँ के ईस्ट एंड वेस्ट का तो उसके बीच में मतलब ट्रेड ऑफ मतलब एक्सचेंज होता था कल्चर का हेरिटेज का ठीक है फैशन का जो भी मतलब आप एक्सचेंज कर सकते हो और सिल्क वहां से नाम आया चाइना के वहां से क्योंकि चाइना में सिल्क बहुत फेमस था तो वो तो वो बहुत मतलब फैब्रिक अपना ट्रेड करते थे ठीक है तो इसलिए सिल्क रोड नाम बन गया उसका तो फिर कश्मीर भी आता था उसके बीच में बीच में नहीं मतलब आस पास ही था तो वो वहाँ पर भी आते थे एक्सप्लोर करने तो वहाँ से कश्मीर में जो फैब्रिक्स आए हैं सिल्क ठीक है तो एक जामवार करके फैब्रिक है तो वो सिल्क से ही बनता है वो बहुत कॉस्टली होता है वो ठीक है हाँ तो वो वहीं से आया है तो जैसे वो सिल्क लेके आए मतलब कि हाँ ये ट्रेड होता था तो वो फैब्रिक्स जो डिफरेंट डिफरेंट आप देखोगे फैरन में भी तो वो इसलिए है कि मतलब ऐसा एक्सचेंज होता था तो और आपको ऑप्शनस मिल जाती थी ओके okay, ओके okay. हाँ. तो ये सिल्क रोड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है इसमें आगे बढ़ाने के लिए मतलब इनके ट्रेडिशन में हाँ. सबसे ज़्यादा मेन काम हाँ. ही सिल्क रोड का है हाँ. ठीक है ओके okay. हाँ. तो मुगल्स एक्चुअली में काफ़ी हमारे कश्मीर को ही क्या इंडिया को भी काफ़ी इन्फ्लुएंस करके गए हाँ. हैं मुगल्स वगैरह तो उसमें जो एम्ब्रॉयडरीज यूज़ होती हैं तो तिल्ला वर्क ठीक है काशिदा आरी वर्क यूज़ होता है ठीक है क्रूल एम्ब्रॉयडरी भी यूज़ होती है तो ये जो इतनी सारी एम्ब्रॉयडरीज है इन सब का जो करने का तरीका है वो अलग है, है ना तो जैसे तिल्ला वर्क में आप जरिए आपको पता होगा तो गोल्ड थ्रेड सिल्वर थ्रेड्स वो यूज़ होता है तिल्ला वर्क में ओके okay. हाँ तो okay. पहले तो पहले के ज़माने में रियल गोल्ड एंड रियल सिल्वर भी यूज़ करते थे बट इतना अफर्डेबल नहीं है वो mm -hmm. तो आजकल मेटेलिक थ्रेड्स यूज़ करते हैं उसके mm -hmm. लिए तिला वर्क के लिए एंड uh, जो आरी वर्क है आरी एक मतलब सुई होती है mm -hmm. आरी उसके मतलब क्रुक्ट शेप होती है ठीक mm -hmm. है आगे से तो उससे वो एम्ब्रॉयडरी uh, की जाती है सिर्फ़ आरी नीडल ही यूज़ uh, होती है आरी एम्ब्रॉयडरी के लिए okay. और कोई नीडल यूज़ नहीं होती okay. हाँ और जो पैटर्नस यूज़ किए जाते हैं फ्लोरल मोटिव्स यूज़ किए जाते हैं ठीक है हाँ. वो कश्मीरी जो पैटर्न है ना वो नेचर से इंस्पायर्ड होता है ओके okay. हाँ, तो फ्लोरल पैटर्न ठीक है लीव्स बुट्टी वो सब यूज़ होता है तो ये फेरन के ऊपर ये इसी तरह से काम होता है इन सब चीज़ों का बिल्कुल हाँ, ओके okay. तो आ, फेरन का जैसे मैंने जो फ़ोटो वगैरह देखे ना तो वो काफ़ी ज़्यादा ना खुला होता है बहुत लूज़ होता है एंड मैंने ये भी सुना है कि वो कांगड़ी जैसे हमने यहाँ पे प्लेस करी है वो ये कांगड़ी को भी अपने फेरन के नीचे रख के अपना वो सर्दियों में गर्म रखते तो वो जलता वगैरह नहीं है नहीं है ऐसा कुछ नहीं है उसका मतलब उसमें स्पेशल चीज़ है ही है कि वो खुला होता है ताकि जो अंदर की वार्म होती है ना वो अंदर ही रहे उसको स्पेस मिले जो गर्म हवा है वो अंदर ही रहे तो एंड प्लस पहले के टाइम पे जैसे खुला खुला इसलिए होता है वो कि काम करने में इजी होता है अगर आप फिटेड क्लोथ्स पहनोगे तो आपकी मूवमेंट नहीं होती उतनी mm -hmm. तो इसलिए ओवरसाइज वो इसलिए होता है बैगी फिट इसलिए होता है वो ताकि आप काम करने भी इजी हो और कांगड़ी भी आप अंदर रख सके मतलब उस टाइम पे तो मतलब टांगों के बीच में ऐसे फसाते थे कांगड़ी एंड mm ऊपर -hmm. से फेरन होता था वैसे वो चल भी लेते थे काम भी कर लेते थे तो मतलब ये सब होता था वहाँ मेरी टीम के ये मेंबर्स वगैरह भी कश्मीर जाकर आए हैं थोड़े दिन पहले एंड इन्होंने वीडियोस वगैरह दिखाई कि वो कैसे प्रॉपर फेरन फेरन के हुँ, अंदर उन्होंने कांगड़ी रखी एंड आई वाज शॉक टू सी कि बहुत ही कैजुअल आराम से कम्फर्टेबल हो गई तो बहुत सिंपल है हमको हाँ। मुश्किल आएगी मतलब इवन मुझे भी मुश्किल आएगी बट जो वहाँ पे रहते हैं इतने टाइम से यूज़ कर रहे हैं उनके लिए कोई मुश्किल नहीं तो है आपने अपनी फैमिली में ऐसे मतलब देखा है किसी को यूज़ हाँ, करते हाँ, है। मेरी दादी है। क्योंकि है। मेरे घर पे फॉलो होता है आज भी सब ट्रेडिशन फॉलो कल्चर फॉलो करना एंड फेरन हाँ आपने बोला जैसे कि मेन्स और वुमेन्स दोनों यूज करते हैं तो उसमें ऐसे ये जेंडर स्पेसिफिक कॉस्ट्यूम नहीं है ये दोनों यूज कर सकते हैं एंड हाँ प्लस वुमेन्स का थोड़ा जैसे आपको अगर शादी आदि में जाना है तो एक नूरी फेरन होता है Okay. हाँ, वो कश्मीरी मुस्लिम्स का मतलब ज्यादा पहनते हैं वो बट कोई भी पहन सकता है ऐसा कुछ नहीं है हिंदूज भी पहनते है तो उसमें ये mm -hmm. ऐसे ही नूरी फेरन में काफी हैवी वर्क आता है नेक लाइन पे स्लीव्स पे तो वो शादी वगैरह में पहना जाता okay, है okay, हाँ, okay. वैसे जो नॉर्मली घर पे पहनते हैं कैजुअल डे टू डे वर्क लाइफ में mm -hmm. तो वो बेसिक uh, फैब्रिक होता है वो, वो मैंने देखा है वो बड़े डार्क कलर्स का ग्रे कलर का बेसिक फैब्रिक जो यूज़ होता है घर के फेरेंस में वो रफल फैब्रिक आ, रिंग फैब्रिक रिंग okay. फैब्रिक मतलब रिंग स्पिनिंग एक mm -hmm, होता है mm -hmm. टेक्निक तो उसमें आ, दोनों मतलब मिक्स करते हैं उसको mm -hmm, okay. ठीक है थ्रेड्स जो होते हैं ना mm -hmm. वो मिक्स करके वो बनता है मतलब वो प्रॉपर जैसे वूल या सिल्क नहीं होता कॉटन भी मिक्स किया जाता है ऐसे तो वो सस्ता होता है ओके okay, हाँ okay. वो सस्ता होता है तो वो घर के लिए आप यूज़ कर सकते हैं बाकी जो आ, सिल्क हो गया सिर्फ जो सिल्क का बनता है वो तो महंगा होता है बहुत ज़्यादा हाँ फिर हाँ, उस पे उस उस वर्क, तो अगर उस पे वर्क हाँ। आ जाए हाँ। वो तो और महंगा होता है तो आ, तो जैसे अब आपने कहा ये जामवाल जामवाल राइट जामवाल फैब्रिक जो था तो जो हम जामवार पशमीना दोनों अलग है जो पश्मीना फैब्रिक है वो पश्मीना शीप से ही बनता है वो जो वूल होता है ना वो पश्मीना शीप होती है एक वहीं से आता है वो उसमें और कुछ नहीं मतलब मिक्स वाले तो चलो अलग ही हो गए पर वो उसी से होता है और जो जामवार है वो सिल्क सिल्क से बनता सिल्क से बनता है, से बनता है। तो दोनों के यार नहीं अलग है मतलब तो फाइबर अलग है पशमीना का मुझे याद है जब मैंने पढ़ा था तो उसमें हमें ये बताते थे कि वो इतना इतना सॉफ्ट और होता है एक छोटी सी रिंग के अंदर से वो आराम से निकल सकता है तो इसलिए मतलब अभी इतना अफोर्ड कर ही नहीं सकता बंदा मतलब कि रिंग करते नहीं होंगे बट हाँ तो अभी मिक्स हो हाँ। गया हा� है ना मिक्स कर देते के साथ सिल्क के साथ और वैसे भी आई थिंक अब जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ता जा रहा है एनिमल के साथ एनिमल वाली ये सब चीजों पे ना वैसे स्टॉप कर देना चाहिए तब तो पश्मीना मेरे हिसाब से जो पश्मीना शीप है ना वो ऐसे उनको ये नहीं कि जबरदस्ती निकालते हैं वो कुछ टाइम बाद अपने आप शेड करने लग जाते हैं अपनी वूल की तो वो वहीं से निकलता है पश्मीना वूल बट फैशन मार्केट कैसे काम करती है वो तो जबरदस्ती तो 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 है बहुत जादा, बहुत जादा। तो ओके तो फिर आज मैंने मैंने अभी मैंने ये सीखा है कि जामवल फैब्रिक में और पश्मीना में क्या डिफरेंस है फेरन मुगल्स की वजह से आए हैं तो लाइक अभी आपने जो पहना है ये भी फेरन का ही एक मॉडर्न वर्जन लग रहा है राइट तो मतलब कश्मीरी का जो मतलब पहले पहनते थे बहुत सारी वेरिएशन आई है उसके पहनावे में कल्चर में हाँ जो भी है आ, क्योंकि आ, जैसे आजकल का माहौल है सब इन्फ्लुएंस होता है ना ठीक है क्लाइमेट चेंजेस वगैरह पॉलिटिकल वगैरह बहुत सारी चेंजेस आई हैं तो आजकल अगर हम मॉडर्न में देखें तो हाँ ये मॉडर्न वर्जन है और इस पे मतलब पर ये हाथ का काम नहीं है ओके okay, ये okay, मशीन एम्ब्रॉयडरी एम्ब्रॉय मशीन एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है बट ये जो मोटिव्स है सारी कश्मीरी मोटिव से ही इंस्पायर आई थिंक ये भी कश्मीरी की वजह yes. से मैंने लिया था हम हमें कॉलेज हाँ। में लेके गए थे किसी दिल्ली के फेस्ट में तो वहाँ पे कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर से आए हुए थे लोग वहाँ पे प्रॉपर स्टॉल्स वगैरह लगते थे तो उन्होंने से मैंने एक में से ये लिया था बड़ा ही प्यारा लगा था ये

बहुत ज्यादा इंट्रीगेट डिजाइन वगैरह तो ये जरी वर्क आरी वर्क टीला हाँ, टीला वर्क ये सब हाँ, कश्मीर से कश्मीर, ही आई गया स्टार्टिंग वगैरह हाँ, हुई है तो मैंने मैंने ये भी सुना है कि जो वहां के जो ब्राइड्स वगैरह होती है तो अब जैसे मुगल्स की हमने बात करी तो जो किंग वगैरह क्वींस वगैरह थे इनके तो वैसे बहुत ही मतलब एक्सपेंसिव होते थे ना कपड़े तो मैंने ये सुना कि ये प्रॉपर रियल सिल्वर एंड गोल्ड के थ्रेड से ही बनाते थे अपने काम को करते थे एंड अब तो वो मतलब कम हो गया होगा हाँ, अब तो मेटेलिक तो जरी का काम प्रॉपर गोल्ड में मैंने कभी देखा नहीं आपने कभी देखी मतलब ऐसी कोई प्रॉपर नहीं देखा मैंने

तो इसकी जो नीडल होती है ना बहुत ही बारीक होती है तब भी आप डिज़ाइन देखो ना इसका कितना मतलब इंट्रीकेट डिज़ाइन हुआ हुआ है इस पर आपको दिख रहा है इंट्रीकेट डिज़ाइन हुआ पड़ा है इस पर <laughs> और इसको काफ़ी महीने लग जाते हैं करते हुए हाँ ये मैंने सुना है कि इनको थर्टी डेज मतलब हाँ, डिपेंड करता, करता कितना है, है बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता मतलब है।, है। ये वाली मुझे समझ नहीं आती है लिटरली कि ये मतलब बस वो गोल 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 करने वाले जो जैसे हमारी चेन स्टिच वगैरह होती है ना जो तरह हाँ, से लगती है चेन स्टिच वाला जो है ना वो उसमें आरी वर्क में ज्यादा यूज किया जाता है आरी एम्ब्रॉयडरी जो होती है ना उसमें चेन स्टिच uh, stitch बहुत यूज होती है और सैटिन स्टिच हम्म 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 ओके तो वो okay. सब स्टिचेस uh, यूज होते हैं आरी उसमें पर किया आरी से ही जाता है mm -hmm, आरी जो मैंने बताया ना आपको mm -hmm, नीडल होती bilkul, है उसमें तो okay. हाँ जो काशिदा है ना mm -hmm. वो भी आरी का ही एक वेरिएशन है मतलब okay. सिमिलर ही है दोनों बट नीडल्स का अलग है जैसे आरी आरी से ही हो जाता है जो काशि है वो उसमें आप डिफरेंट नीडल्स यूज कर सकते हो हाँ मैंने ये भी पढ़ा था लाइक मैं पढ़ती रहती हूँ तो अगर मैं बोल रही हूँ ना बहुत ज्यादा मैंने पढ़ा था मैंने एक्चुअली में पढ़ा था कि जो काशिदा है वो एक्चुअली में कश्मीर की एक काशिदा कशीदा कोई काशि हाँ है को कश्मीर का, का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एम्ब्रॉयडरीज वगैरह में जब भी होता है तो काशिदा इज अ मेन थिंग जो सबको होता है कि होनी चाहिए तो नॉर्मल जैसे लोगों का तो हमने देख लिया कि वो फेरन पहनते हैं लूज पहनते हैं तो ब्राइडल जैसे ब्राइज होती हैं मैंने कश्मीर की ना <laughs> मूवी में देखी है जैसे जेंटा देखी थी मैंने आ, बुंगरो, आ, बुंगरो, बुंगरो बुंगरो वाले, वाले।, वाले सॉन्ग की वो मूवी में भूल बट मैंने रॉक में भी देखा था नरगिस ने जो कश्मीरी लुक पहना था तो मतलब वहाँ की ब्राइड्स में और हमारी आज पंजाब की जो ब्राइड्स है डिफरेंस तो चलो बहुत ही ज्यादा है लेकिन कुछ होता है ना कि ट्रेडिशन फॉलो करना होता है कि वो लोग करते ही करते हैं वहाँ पे क्या है ऐसा फेरन में या उनके ब्राइडल अटायर्स में तो पहले जो कश्मीरी ब्राइड होती थी ग्रूम भी इवन तो वो फेरन पहनते थे पहले अब तो चलो नहीं पहनते हैं अब साड़ीज़ आ गई जो भी है ना शेरवानी आ गई तो वो पहनते हैं ठीक है तो तब जब पहनते थे मतलब अभी और उनका एक हेड गेयर नहीं हेड स्काफ लगा लो ठीक है उसको हम तर्ग बोलते हैं तर्ग तो उसमें पूरा हेड ना आपका कवर रहता है हाँ नहीं। आपको कोई डिजाइन कोई 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 होता है उस पे, हाँ। ऐसे पूरा यहाँ से कवर होता है ठीक है उस पर मतलब फिर गोल्डन एक पतली सी स्ट्रिप होती है ठीक है तो वो ऐसे बांधते हैं और ऊपर ऑफ कोर्स घूंघट होता है हाँ तो ये चीज़ें मतलब हेड पूरा कवर होता है ठीक है कश्मीरी ब्राइडल लुक में तो एंड अभी और वो पहनते हैं अठूर होता है एक ठीक है एक होता है अठ okay. अठहर अठ अठूर। और डेजहूर मैंने पढ़ा है, देजूर है।, है। मैंने तो कश्मीरी जो ब्राइड होती है ना वो डेजहूर लगाती है ठीक है आई थिंक इट्स काइंड ऑफ टाइप हाँ मतलब उनका मंगल कोई, हाँ, हाँ, हाँ। कोई गले में पहनते हैं उनके लिए वो जो डेजहूर है वो ही मंगल सूत्र है शादी की निशानी होती है वो ओके तो हेगेनल शेप में होता है वो ठीक है एंड और जो चेन गोल्ड चेन होती है ना तो उसको बोलते हैं अठ ओके okay. वी हाँ. तो शादी बाद आप इतना हैवी तो पहनोगे नहीं ठीक है तो एक छोटा सा उसी का मतलब वेरिएशन होती है छोटा सा उसको बोलते हैं अठूर okay. हाँ जैसे डेजहूर होता है वैसे उसका छोटा वर्जन हो गया ठीक okay. है okay. तो आजकल मतलब आज के जमाने में इतना लंबा लंबा तो कोई नहीं पहनता तो छोटे से पहनते आजकल तो ईयरिंग्स ओके okay एंड जो इसका भी एक और वेरिएशन uh, है अठूर का वो होता है मेटालिक टैसल्स होते हैं ना उसमें होता है वो ओके मैंने मतलब लाई भी है आपको आ, दिखाने दिखा के लिए दो तो, दिखाओ। 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 ये होता है ओके मतलब ये टैसल्स होते हैं तो ये कानों में जैसे अच्छा ये कानों में पहनते हैं मतलब अठूर के साथ ही बांधते हैं जैसे कोई मेन फंक्शन हो गया बर्थडे हो गया घर पे किसी का कैन यू सी शादी है किसी की तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है पहनना ये ये प्लास्टिक नहीं है मतलब तो प्लास्टिक ही होता है, है ना हाँ। क्योंकि टेसल्स तो ये मतलब हमारे यहाँ वही है उसका टेसल्स बनाया मतलब गाइस कैन यू सी कि हमारे यहाँ ये टेसल्स आर वेरी नॉर्मल बट दिस इज अ ट्रेडिशन किसी और जगह पे तो कुछ डिसरिस्पेक्ट मत क्या करो यार प्लीज इट इज वेरी क्यूट ओके okay. तो अभी तो जैसे ज्वेलरी का आपने मुझे बताया ये वगैरह तो उनके जो जैसे अब फेरन की हमने एम्ब्रॉयडरी वगैरह देखी तो ब्राइडल अटायर जो होता है एक कॉस्ट्यूम जो होता है ब्राइड्स का जैसे हमारे यहाँ लहंगे होते हैं ना प्रॉपर बहुत ज़्यादा इंट्रीगेट एम्ब्रॉयडरी होती है आजकल तो मतलब प्रॉपर उन पर शक्लें पत्ते सब कुछ बनने भी शुरू हो गए तो जो ट्रेडिशनल कश्मीरन की एक वो होती है ना ब्राइडल अटायर उस वो क्या होती है उसमें क्या डिफरेंस है ये होता है हेड कवर होता है पूरा ठीक है और फ़ेरन पहना जाता था पहले नीचे सलवार चूड़ीदार जो मर्जी आप पहन सकते थे ठीक है और नेक लाइन में एम्ब्रॉयडरी होती थी स्लीव्स में एम्ब्रॉयडरी होती थी यही मेंस का भी सेम था ऐसा तो okay. हाँ दोनों का सिमिलर ही था बट अभी साड़ीज में हो गया है वो कन्वर्ट साड़ीज पहनते हैं लहंगा पहनते हैं बट हेड वाली जो चीज है वो सेम ही सेम रहती, रहती है ओके ओके okay, okay, okay. okay. तो उनकी तो एम्ब्रॉयडरी फिर मैरिज के रिलेटेड तो बहुत ही ज्यादा वो होती होगी ना बहुत ही बारी जैसे कोई जरी वर्क मोस्टली वाला पहनते हैं कुछ मुझे आ, मुझे बताओ वहाँ पे जैसे कश्मीरी शादियाँ वगैरह होती हैं तो जैसे ब्राइड का तो एक लुक हो गया कि वो फेरन पहनती है जिसमें इंट्रीकेट एम्ब्रॉयडरी होती है जरी की तो जो नॉर्मल गेस्ट होते हैं या वहाँ पे जो नॉर्मल मैंने सुना है वहाँ पे डांसर्स वगैरह का भी अलग सा एक रोल मैं अभी जम्मू से ही आ रही हूँ मतलब शादी अटेंड करके तो मुझे इतना सुंदर लगा यार कि हमारे कल्चर में कितनी सुंदर चीज़ें कितनी डिफरेंट है और मतलब ये होनी चाहिए ऐसे रुकनी नहीं चाहिए ख़त्म नहीं होनी चाहिए तो उसमें हमारे में जैसे आपके में डीजे होता है ठीक है पंजाबी हिंदी गाने मिक्स चलते हैं अपने हमारे में डीजे वगैरह नहीं यूज़ करते okay. एक म्यूजिशियंस को बुलाते हैं कश्मीरी म्यूजिशियंस को तो उनके साथ एक डांसर भी होता है बीच में टीम में तो उसको हम बच बोलते हैं बच okay. ठीक है बच कोट तो, हाँ ओके okay. तो उन्होंने मतलब उनका कॉस्ट्यूम ऐसा होता है शिमरी बहुत ज़्यादा सीक्वेंस वाला ऐसे गाउन फ्रॉक पहनते हैं वो एंड डांस करते हैं घुंगरू पहने होते हैं इतने हैवी हैवी तो उसको okay. लेके वो इतना सुंदर डांस करते हैं आप देखना मतलब आपको दिखेगा कैसे लेवल का वो डांस करते हैं तो मतलब बहुत ही एक्साइटिंग होता है मतलब शादी और बाकी सिंपल ही रहता है ऐसा कुछ नहीं है दिखावा वगैरह नहीं है बहुत ही सिंपल तरीके से शादी होती है कश्मीरी की हमारे तो यहाँ से ऐसे होते हैं ना कि दुल्हन से ज्यादा दुल्हन की बहनें ज्यादा चमकनी चाहिए <laughs> तो हम लोग तो प्रॉपर अपने गेटअप्स में होते हैं तो मैंने नोटिस <laughs> किया है कि कश्मीरी साइड की जो मैरिज होती है उसमें जो मेन ब्राइड एंड ग्रूम होते हैं hmm. वो हाईलाइट होते हैं hmm. बाकी सब नॉर्मल बाकी सब नॉर्मल हाँ नॉर्मल अटायर ही रहता है सबका बेसिक रहते हैं ओके okay, ओके okay. और ये जो आप कांगड़ी देख रहे हैं ये तो चलो घर पे यूज़ होती है बट शादी में ना इसको पूरा अच्छे से डेकोरेट किया जाता है जैसे वेल्वेट के कपड़े से और गोल्डन थ्रेड से तो ये भी उसमें यूज़ किया जाता है शादी में ओके ओके कांगड़ी के लिए तो मैं भी भी शौक हूँ कि ये कैसे फेरन के नीचे रख के गरमाइश देता है उन्हें मैंने ना एक्चुअली बड़ी सारी ना वीडियोस देखी थी एक बार मैं जैसे स्नैपचैट वगैरह पे ना कुछ चीज़ें सब्सक्राइब की हुई हैं कुछ चैनल्स मैंने जो कल्चर से रिलेटेड दिखाते तो उसमें मैंने एक बंदा फॉलो किया था जो दिखाता था कि कश्मीरीओं का ना एक मतलब बड़ा सा जैसे रूम होता है जैसे मेरी टीम भी अभी गई थी उन्होंने भी वैसे ही बताया एक बड़े से रूम में उन्होंने नीचे मैट बिछाए होते हैं ठीक है एंड फिर वहाँ पर वो कम्बल वगैरह लेके बैठते हैं और मतलब उसका खाना वगैरह भी बहुत डिफरेंट होता है एक अलग तरह की ब्रेड होती है आपकी

वो कारपेट में भी काफी ज्यादा टाइम लगता है बनने में जो ट्रेडिशनल कारपेट होता है okay. वो बहुत महंगा होता है ठीक okay. है तो नीचे वो बिछाया जाता है hmm. हमारे में ऐसे बेड वगैरह कम ही होते हैं कश्मीर में hmm. नीचे ही बिछाया बैठा सबसे ज्यादा तो होती हाँ हम, हम यहाँ रहते हैं बट हमने भी मतलब कुछ ऐसे डाइनिंग टेबल वगैरह नहीं रखा हुआ क्योंकि हमने नीचे ही बिछाया हुआ है हम नीचे बैठ के ही खाते हैं ओके okay, तो ये okay. ट्रेडिशन है हम ऐसे बेड पे बैठ के नहीं खाते हैं। हम नीचे बैठ के शीट बिछा के खाते हैं मेरे ना पापा को भी ये चीज बड़ी अच्छी लगती थी पता नहीं वो भी हमें यही कहते थे कि खाना ना नीचे जमीन पर बैठ के खाना चाहिए कहते हैं साइंटिफिक के लिए अगर देखें तो डाइजेशन अच्छा होता है ठीक है नीचे बैठ के खाने से आपकी टांगो कहते हैं ना कि आप खड़े हो पानी मत पियो या खड़े हाँ, मत खाओ टांगों में चला जाएगा मतलब वो चीजें होती, होती है होती, होती है है तो अगर आप नीचे बैठ के खाओगे तो आपको अच्छा भी लगेगा लकड़ी की वो स्टूल भी होते थे कि आप उसके ऊपर थाल वगैरह रखते थे तो खाते थे ओके। हाँ तो नीचे यहाँ बिछाया जाता है और कंबल वगैरह ओढ़ा जाता है कांगड़ी यूज की जाती है और बेड उस टाइम पे मतलब बेड्स भी ऐसे अगर होते भी थे तो ऐसे ऊंचे ऊंचे नहीं है एकदम लो बेड जमीन से थोड़ा डाउन टू अर्थ रहते हैं कश्मीरी ओके <laughs> <laughs> okay. तो मतलब एक चीज मुझे और ये पूछनी कि आप कश्मीरी इतनी सुंदर कैसे होती है तो लाइक आपकी गाले हर टाइम पे रेड रेड होती है मतलब जेनवनली मुझे ऐसा लगता है कि जो कश्मीरी ब्यूटी है ना जो वहाँ की औरतें हैं वो इतनी ज्यादा सुंदर होती हैं वहाँ के मौसम की वजह से कि इतनी बर्फ होती है तो सब चिट्टी चिट्टी सी होती है मतलब क्या है वहाँ का राज मौसम ही होगा एक तो वहाँ पे पॉल्यूशन भी शायद कम है ना पहाड़ वैसे मुझे तो ऐसे लगता है जो भी मतलब पहाड़ से पहाड़ी होते हैं वो ऐसे ही उनका सेम ही स्किन टेक्सचर होता है मैं भी पहाड़ी हूँ <laughs> <तभी चले>। तो सेम सेम बट डिफरेंट ये जो राम मंदिर की इनाग्रेशन हुई थी उसमें अनुपम खेर जी आए थे और उन्होंने मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो फेरन पहन के आए थे अपने कश्मीरी अटायर में सीरियसली मैंने नोटिस नहीं किया मैं देखूंगी तो उनको इतने ज्यादा लोग फॉलो करते हैं अगर उनको देखेंगे कि उन्होंने पहना है तो ऑफकोर्स काफी यूथ भी मतलब फॉलो करेगी ट्रेडिशन अपना ट्रेडिशन मतलब, फॉलो हाँ, करते हुए आए हैं वो ओके इट वेरी बिग थिंग कितने लोगों ने देखा होगा मतलब काफी मतलब न्यूज भी आई थी कि उन्होंने फेरन पहन के वो आए हैं वहाँ पे ओके okay, मैंने मिस कर दी न्यूज <laughs> देखो आप मैं राम जी के उसमें बहुत ज़्यादा घुसी हुई थी अभी जैसे रिसेंटली मेरी जो टीम वगैरह गई थी इतने बेशरम है मेरे लिए खाने के लिए तो वहाँ से कुछ भी नहीं लाए हैं लेकिन आप मुझे बताओ <laughs> क्या बात कर रहे हो खाने के लिए नहीं लेके आए वही तो मेन होता है वहाँ पे आप मुझे बताओ फैशन तो चलो है ही ज़रूरी बट नहीं। खाना नहीं भूलना चाहिए ना मैं तो वैसे बहुत शौकीन हूँ तो मुझे कश्मीर के ना खाने का मतलब जानना है कि वहाँ पे क्या क्या मेन है जैसे हमारे लिए मक्की की रोटी है कश्मीर में कान्दुर Okay. आपको क्या होता है वो एक बंदा होता है भट्टी मतलब में ब्रेड्स बनती है वो जैसे okay. जैसे लवास हो गया ठीक है कचोरी कतलम ठीक है, तो ये सब ब्रेड्स की जाते है उनसे कचोरी होता है वो ओके okay. यहाँ पे तो कचोरी कुछ और होता है ना वो पूरी टाइप्स होता है जो उसके अंदर स्टफिंग वो वाला नहीं होता है वो ब्रेड से ही बनता है वो ओके ओके लवास लवास क्या होता है लवास एक मतलब मैदा ही होता है ऐसे रोटी होती है एक हाँ व्हाइट कलर का होता है वो ठीक हाँ, और रोट रोट जो होता है ना वो थोड़ा सा थिक ब्रेड होती है ठीक है मतलब तो ज्यादा सॉफ्ट नहीं होता बट वो शादी में भी काफी देते हैं ऊपर ड्राई जैसे शादी होती है ना तो हा, इतने हिमाचल में भी बनते है रोट वगैरह तो मैंने खाए बड़े पतले से ना मट्ठी जैसे होते हैं बड़े होते हैं जो शादी में जाते हैं हमारे तो छोटे जो घर वाले होते हैं वो नॉर्मल साइज के होते हैं नॉर्मल साइज के मेरा फेवरेट तो

मतलब लाल मिर्च पाउडर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कितनी फेमस है पता ही होगा आपको मतलब कश्मीरी शेफ भी तड़का जब आप देखोगे यूट्यूब पे अगर आप सर्च करोगे कोई भी रेसिपी तो जो शेफ्स होते हैं वो यही बोलते हैं लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च वो हाँ तो हाँ बहुत हाँ। फेमस है एक्चुअली शायद एक ब्रांड भी है वो कश्मीरी तीखी नहीं होती लाल जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है वो कलर ज्यादा उसका खिल आता है तीखी कम होती है थोड़ी ओके ओके जब ये तो मतलब कश्मीरी लड़कियां तो इतनी प्यारी होती हैं आप देख ही सकते हैं और खाने में तो कश्मीरी दम आलू okay, खाते हैं मतलब रोटी नहीं खाते इतनी आप लोगों ने क्या खाया था वहां जाके इतनी शर्म नहीं है तो मेरे घर पे तो चावल ही बनते हैं राजमा चावल तो मैं भी खाती हूं बहुत खाती हम्म कश्मीर में जब स्नोफॉल होती है तो सारी रोड्स ब्लॉक हो जाती हैं मतलब आप बाहर नहीं जा सकते काम पे कैसे जाओगे ठीक है सब्जियां कैसे लोगे तो उसमें उस सीन में, में क्या होता है कि सूखी हुई सब्जियां यूज़ करते हैं वो मतलब पहले वो कलेक्ट कर लेते हैं सब्जियां okay. ठीक है जैसे बैंगन भी मैंने देखा है वो वो सूखी हुई होती है मतलब सनलाइट में सुखाते होंगे कैसे उनको उसका प्रोसीजर नहीं पता बट हाँ वो यूज होता है वो वो पूरा मतलब महीना जो भी एक दो महीना होता है तो वो उसमें वही यूज़ करते हैं सूखी हुई सब्जियाँ क्योंकि बाहर आप मार्केट में नहीं जा सकते पॉइंट ना मैं भी सोच रही थी क्योंकि अभी मेरे को फिर से अपनी टीम इंक्लूड करनी पड़ेगी बिकॉज ऑफकोर्स ये लोग अभी जाके आए हैं मेरे बिना तो मैंने इन्होंने मुझे वीडियोज सड़ाने के लिए जो भेजी बेसिकली इतना सुंदर लग रहा था कश्मीर बट मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ है लाइक गाड़ी तक बर्फ़ से भरी हुई है रोड बर्फ़ से भरी हुई है कि मतलब लोग निकलते कैसे होंगे ना इनका डेली का कैसे चलता होगा काम रोज़मर्रा की लाइफ कैसे जी रहे होंगे ये थैंक गॉड आपने बताया कि लोग सूखा के खाते खाना तो आप सूखी हुई सब्जियां खा कर आए हो आपको पता है फिश फिश होती है वहाँ पे मतलब नॉनवेज तो खाते, खाते है, कश्मीरी, हैं कश्मीरी कश्मीरी पंडित भी खाते हैं लोगों हैं। को लगता है पंडित है या नॉन वेज तो नहीं खाते होंगे बट अच्छा। खाते हैं वहाँ पे क्योंकि इसलिए खाते हैं क्योंकि तब उस टाइम इतनी ठंड होती है आज भी इतनी ठंड है और पहले तो ज्यादा ही होती थी और भी ज्यादा ठीक है तो उस टाइम पे वो इसलिए नॉनवेज खाना शुरू किया था क्योंकि नॉनवेज खाने से आपकी बॉडी गर्म रहती है हीट रहती है तो इसलिए वो शुरू हुआ था इसलिए पंडित्स भी खाते हैं नॉनवेज कश्मीरी पंडित मैं भी कश्मीरी पंडित हूँ तो मेरे घर पे भी चलता ही है mm -hmm. हाँ तो फिश सूखी हुई फिश भी होती थी मतलब हम उसको हक गार्ड बोलते हैं okay. तो वो भी मतलब यूज होता था mm -hmm. तो ये सब चीजें mm -hmm. करते थे वो मैनेज ऐसे होता था okay. Okay. खाने पीने का मैनेज बट mm -hmm. वैसे सच बताऊँ तो कश्मीर इतना सुंदर लग रहा था ना mm -hmm. मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं स्विट्जरलैंड ही तो सच में है ही है इतना ज्यादा स्थेटिक मतलब मेरे जैसे बंदा जाए ना जो मैं तो इतना content निकाल यहाँ पेडियो लेक हो गया हाँ, ये मैंने सुना, है, वो मैंने सुना, सुना है एक्चुअली है। तो वो, वो बोट के अंदर बड़ा सुंदर लगता है वो बोट्स वगैरह वहां पे ठंड भी होती थी ना तो मतलब जो नदी होती थी उसमें से मतलब बोट्स आती थी सब्जियां उसी में होती थी फ्लोटिंग सब्जियां मिलती है okay, वो नदी के अंदर फेंक देते हैं सब्जियां मतलब नहीं नहीं, नहीं 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 बोट्स में सब्जियां सब्जी वाले होते ना जैसे हम तो यहाँ रोड पे देखते हैं सब्जी वाला मार्केट में तो वहाँ सब्जी वाला बोट्स में आता था सब्जी बे, बेचने सब्जी वाले जो अपनी वाइफ है <laughs> हाँ <laughs> <आओ, laughs> बोट्स में बेचते थे मेरे पापा तो जाते थे मतलब तो वो श्रीनगर में रहते थे तो उनके घर के आगे एक मतलब तो झील थी तो वहाँ पे फिशेस होती थी तो वो पकड़ने जाते थे मछली वाह और खाते थे ओके <laughs> ओके <laughs> <Okay, okay, laughs> नाइस और वहाँ और सबसे ज़्यादा तो वहाँ खेती वो खुद की करते थे सब्जियों की सबके घरों में ना खुद के एप्पल्स इतने फेमस कश्मीर के एप्पल्स के पेड़ और सारी सब्जियाँ वो खुद ही उगाते थे कम ही खरीदते थे बाहर से okay, okay. हाँ, मेरी मेरी दादी का तो ये रहता था वो मतलब जैसे सारे मिलके फ्रेंड्स ऐसे स्वेटर बुनती होती थी hmm. कढ़ाई करती थी वो आरी वर्क वो सब hmm. मिलके करते थे तो काफी अच्छा था दादी को बुलाना पड़ेगा में मेरी दादी तो बहुत सही है <laughs> <laughs> बुलाना चाहिए आपको बिल्कुल <laughs> तो मुझे एक चीज़ और ये पूछनी है कि लाइक अब जैसे आपने बताया कि वहाँ पे कि ब्राइड्स जो होती हैं वो भी फ़ेरन वगैरह पहनती हैं और बाकी लोकल्स तो नॉर्मल पहनते हैं तो मतलब नॉर्मल में भी उनके क्या बेसिक आइटम्स आती हैं कि फेरन के अलावा ये पहनते ही पहनते हैं वहाँ पे सलवार सूट ए, चूड़ीदार सूट okay. हाँ यही बेसिक जो चलता है बेसिक में तो वही पहनते हैं वो हाँ. है। मेन उनका फेरन है वो ऊपर से लेयर जो होती है ना लेयरिंग करनी होती है ऊपर लास्ट लेयर फेरन की होती है अंदर हमारी वगैरह वगैरह हाई पहन हाँ। के एंड देन ऊपर से फेरन ओके तो मतलब ये भी और फुटवेयर में लॉन्ग बूट्स पहनते थे ठंड तो वैसे भी वहां बहुत होती होगी पैर सुन हो जाते होता उसके अंदर वूल की लाइनिंग वगैरह होती थी बूट्स में तो वो पहनते थे सॉक्स तो तीन चार लेयर पहन लेते थे कहीं कहीं तो इतनी ठंड में मेरी मम्मी को तो इतनी ठंड लगती है और सच में उन्होंने बताया कि मैं तो तीन चार सॉक्स पहनती थी वूलन फिर उसके ऊपर बूट्स अलग हम्म तो जैसे हमारे यहाँ पंजाबी में ना मोजरीज़ पंजाबी जुत्ती बहुत फ़ेमस होती है सबको पता है कि पंजाब में पंजाबी जुती आपको अच्छी से अच्छी मिल जाएगी तो फुटवेयर में कश्मीर की कौन सी ऐसी एक है ना जो ब्राइड्स को भी पहनाई जाती है या कोई अगर बहुत फैंसी टाइप्स फुटवेयर की ये ये एक नेम होता है ना पर्टिकुलर से मोजरीज हो गया तो वहाँ पर कौन सा फुटवेयर ऐसा बहुत फ़ेमस है ट्रेडिशनल में आता है मेरे को ऐसे इतना पता नहीं है फुटवेयर का मैंने क्योंकि सारी जूती-उती है मैंने ज्यादातर okay, पहनती मैं ऐसे ओके मतलब ये चलती है ऐसे कुछ पर्टिकुलर है नहीं ओके okay, ओके okay. मेरी नॉलेज में ओके okay. <laughs> कोई बात नहीं हम इसको hmm. अगली बार देख लेंगे hmm. अगर कुछ एक्स्ट्रा हुआ <laughs> hmm. <laughs> तो अभी जैसे ये तो सारा ट्रेडिशनल हो गया hmm. ना मेन तो अभी कुछ चीजें तो हैं जैसे मॉडर्न कल्चर से मॉडर्न इन्वेंशंस से इन्फ्लुएंस होता रहता है तो अब जो कश्मीरी है एक्चुअल में जो मतलब अब तो लोगों में भी ऐसा होता है ना क्यों इतनी मेहनत करनी है? जब आप आराम से इजी mm -hmm. वे में कर सकते हो सारा कुछ तो लोगों ने उस चीज़ को कैसे अडाप्ट करना शुरू किया है एवोल्यूशन वगैरह क्या आए हैं कश्मीरी कल्चर में एवोल्यूशन तो बहुत मतलब जैसे बताया था मैंने क्लाइमेट चेंज वगैरह वगैरह तो एवोल्यूशन तो हुआ ही है तो एवोल्यूशन होना भी चाहिए ठीक है तभी मतलब तब भी आज मॉडर्न ज़माने में आप पहनोगे चीज़ों को आप उसको फॉलो करोगे ठीक है चेंज तो ज़रूरी होता ही है तो अभी मैंने जैसे देखा था बिलाल हैंडी क्राफ्ट करके हैं वो कश्मीरी जैसे एम्ब्रॉयडरीज मतलब शॉल्स वगैरह बनते हैं वहाँ पे तो वो इंटरनेशनली भी मतलब जाते हैं करते हैं उनको okay, okay. हाँ तो वो अच्छी चीज़ है तो तब भी आपको मतलब पूरा ग्लोबली पता होगा कि क्या है ये ट्रेडिशन क्या कश्मीरी कल्चर है क्या उधर लोग पहनते है, हैं ठीक है और एक रफ टेक्स करके भी एक ब्रांड है ठीक है तो उसमें भी सिमिलरली यही कश्मीरी कल्चर का हैंडी क्राफ्ट वगैरह ठीक है शॉल्स वगैरह होते हैं ठीक है एंड सभ्य साची मुखर्जी आपको पता ही ठीक है तो उनकी कलेक्शन में भी मतलब उन मतलब कारीगर उनके हैं कश्मीरी कारीगर जो उनकी कलेक्शन भी आई थी मतलब कश्मीरी उसमें वर्क होता है उनके कलेक्शन में तो ये अच्छी चीज़ है मतलब अगर ऐसे डिज़ाइनर्स ये चीज़ लाएंगे तो ये चीज़ तो कभी ख़त्म ही नहीं होगी और बिल्कुल. होनी भी चाहिए और सोशल मीडिया मेरे ख्याल से ये सोशल मीडिया बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है इस चीज़ के लिए क्योंकि उसके थ्रू आप हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल को आप अप्रोच कर सोच सकते सकते कर सकते हो बिल्कुल इन्फ्लुएंस कर सकते हो ट्रेडिशन हाँ. फॉलो करने के लिए बता सकते हो तो बहुत सारे ऐसे पेजेस भी हैं जो इसको जो कश्मीरी कल्चर के बारे में बता रहे हैं बहुत अच्छी चीज़ है मतलब जो आजकल की जनरेशन है ठीक है तो उनको नहीं पता क्योंकि वो कभी क्योंकि कश्मीर और जम्मू में इतने अब सारे शिफ्ट हो रहे हैं इधर उधर जगह जा रहे हैं तो उनको कैसे पता होगा इसके बारे में तो ऐसे ही पता होगा जब आप इंस्टाग्राम पे तो पेज फॉलो कर ही सकते हैं तो उसमें आपको पता लगेगा कि हाँ ये कल्चर है ये ट्रेडिशन फॉलो हो रहा है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो सोशल मीडिया के थ्रू हो रही है हो रही है एंड इवन आई आल्सो थिंक कि हम लोगों ने ना पिछले कुछ सालों में इतना ज़्यादा फॉरन कल्चर करना शुरू कर दिया फॉलो हम अपने ट्रेडिशन अपनी रूट्स को ही भूलते जा रहे थे तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत फील होती थी क्योंकि मेरी मेरी फैमिली का इन्वायरमेंट शुरू से ऐसा रहा कि स्टिक टू योर ओन कल्चर ठीक है बाहर का देखो जो अच्छा लगता है उसे देखो फॉलो करो बट अपनी सभ्यता को मत भूलो ना तो मेरे मेरे को तभी इस चैनल को चलाने का एकदम से वो था कि अगर मैं यहाँ पे बता सकती हूँ लोगों को अब जैसे आपने इतना कुछ बताया कश्मीर से रिलेटेड जो मुझे खुद भी नहीं पता था एंड ये पता होना चाहिए इसमें कुछ ज़्यादा एग्जा चीज़ें नहीं है जो हमें समझ नहीं आएगी कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी क्या है कश्मीरी कपड़े क्या है कि अगर आप कहीं जा रहे हो किस, किसी कश्मीरी से मिल रहे हो जैसे मैं आपसे मिली हूँ तो अच्छा लगता है कि वो भी देखेंगे कि इनको पता है हमारे बारे में क्योंकि आई थिंक पंजाब का तो सबको ही पता है पंजाब तो एक ऐसी जो चीज़ है पंजाब तो फेमस ही बड़ा है मुझे लगता है इन चीज़ों में कि अलग ही फैशन है उसका भी तड़कता बिल्कुल हाँ, लेकिन कश्मीर इज अ वेरी सुदिंग ना हाँ, बहुत काम सी है काम ऐसे चुप चुप रहने वाले हाँ। तभी तभी इतना नहीं वो ऊपर उठा हाँ लेकिन वही <laughs> है ना कि course, जिनको

तो मुझे एक्चुअली में बहुत पसंद आई ये सब चीज़ें पढ़ना समझना एंड आज आपके साथ बात करके आपके साथ ये सब चीज़ें जान के भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं भी कहीं ना कहीं पीछे छूटी हुई हूँ ट्रेडिशन एंड कल्चर समझने में बट इट्स गुड किट एटलीस्ट मैं ट्राई तो कर ये है ही प्यारा कॉन्सेप्ट है आपका <laughs> हिस्ट्री के बारे में बात करना ट्रेडिशन के बारे में बात करना तो इसी से नॉलेज बढ़ेगी बिल्कुल जैसे आपने बोला कि हम बात करेंगे तो मैंने भी अपनी दादी से पूछा मुझे और नॉलेज मिली तो मैं आज वही नॉलेज बता रही हूँ तो और लोगों को भी बता पता चला जाएगी सब समझ आप लोगों के लिए कर रही हूँ मैं कि मैं तो देखो बुक से भी पढ़ सकती हूँ तो बट आपको कैसे पता चलेगा मैं लाइव एग्जाम्पल लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए जो समझ आएगी <laughs> <laughs> तो आज मैंने कश्मीर के बारे में आयुषी से समझा कि फेरन वहाँ का मेन आउटफिट है ट्रेडिशनल आउटफिट है वहाँ की जरी बहुत ज़्यादा फेमस है टीला वर्क बहुत फेमस है आरी वर्क बहुत फेमस है शमीना और जामवाल फैब्रिक का डिफरेंस मैंने समझाया विच इज आई शुड अ फैशन स्टूडेंट आई एम सो सॉरी एंड हमने वहाँ के कुछ अच्छे अच्छे mm -hmm. खाने के बारे में भी सुना है जो मेरी टीम पे लानत है कि वो मेरे लिए ले लेके नहीं आए बट कोई बात नहीं हम अकेले जाएंगे हम आपके साथ जाएंगे मेरे और साथ से चलना कोई में नहीं जाएगा <laughs> <laughs> तो आई होप आप लोगों को ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो आप लोगों को कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीज़, इंटरेस्टिंग चीज़ें पता लगी हो कश्मीर के ट्रेडिशन के बारे में बिकॉज आई फील कि एज एन इंडियन हम सबको पता होना चाहिए कि हमारा इंडियन ट्रेडिशन हर एक स्पेसिफिक जगह का क्या है पर्टिकुलर जगह का क्या है फॉरन कल्चर तो वी ऑल फॉलो बट थोड़ा बहुत अपने कल्चर से यू नो अलाइंट होना इज़ नॉट अ बैड थिंग इज़ नॉट अ रॉन्ग थिंग ऑल्सो सो आई एम गोइंग टू एंड दिस पॉडकास्ट हेयर एंड आई होप आपको ये अच्छा लगा हो लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलना एंड ऑल्सो subscribe to our channel fashion brew we will meet in our next video till then be kind be safe toodles